ये 12 नंबर का हो गया लेट वाई बराबर ए एक्स प्लस बी होल पावर क्या हो गया एम डी वाई बाय डी एक्स। अब देखो यहाँ पर भी डी बाय डी एक्स लगा देते हैं ए एक्स प्लस बी होल पावर एम। पावर क्या होता है गुना होता है ए एक्स प्लस बी एन माइनस क्या होगा वन। अब देखो ए एक्स है ना एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव एक होता है एक गुना क्या होगा एक बी का क्या होता है जीरो। तो एन ए एक्स प्लस बी होल पावर क्या हो गया एन माइनस वन ये आंसर इनका हो गया। साइन को पावर एन एक्स डी वाई बाय डी एक्स कीजिए पावर क्या होता है गुना होता है तो एन साइन को पावर एन माइनस वन एक्स और साइन का क्या होता है कोस एक्स कोस एक्स ये आंसर इनका। ये 24 हो गया ना लेट वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स बी प्लस बी प्लस यू कोस एक्स। अब देखो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो गया एक्स हो गया ना तो डी वाई बाय क्या होगा डी एक्स ये ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स क्यू कोस एक्स ये हो गया ना। उसके बाद देखिए ये u हो गया ये क्या हो गया b हो गया ये u और ये क्या हो गया b। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं जैसे u का हम डिफरेंशिएट करेंगे तो भी स्थिर रहेगा भी क्या रहेगा भी तो गुना नंबर रख देंगे समझ गया ना। तो ये आपका हो गया u हो गया ये आपका क्या हो गया b हो गया ना। तो हम पहले u का हम क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं एक्स स्क्वायर का क्या होगा एक्स स्क्वायर का क्या होगा टू एक्स होगा टू एक्स टू एक्स पे होगा ए कॉन्स्टेंट है इनका नहीं होगा नो सर क्या होगा टू ए क्या होगा टू ए एक्स। अब देखो ये क्या है साइन ए होगा प्लस प्लस ये क्या है प्लस यहाँ पर प्लस लिख दिया साइन ए साइन का क्या होता है कॉस होगा कॉस कॉस एक्स। आप देखो इनको अभी कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इसका हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं ये स्थिर रहेगा ये गुना में रहेगा जी पी प्लस क्या हो गया कोस एक्स। अब देखो अब जिसका क्रिया नहीं हुआ है जिसका डिफरेंशिएट नहीं हुआ है उसको करना है समझ गया बी का नहीं हुआ तो बी का नहीं हुआ है यू का मान अब स्थिर रहेगा यू का मान क्या है यू का मान एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स ये यहाँ पर रहेगा जी सर। अब डिफरेंशिएट किसका किसका तो पी का क्या होगा डिफरेंशिएट कॉन्स्टेंट है जीरो होगा पी का क्या होगा जीरो। देखिए पी का क्या हो गया जीरो जीरो क्यू क्या है कॉन्स्टेंट है ना जी सर तो क्यू का होगा डिफरेंशिएट नहीं होगा उसका भी जीरो जीरो नहीं होगा क्योंकि कोस एक्स गुना तो जीरो हो गया था ना तो क्यू गुना में से आ जाएगा क्यू क्या होगा गुना में साइन एक्स क्या होता है साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स हो गया ना यस सर। टू ए एक्स प्लस क्या हो गया कोस एक्स पी प्लस क्यू कोस एक्स। अब देखिए ये माइनस साइन एक्स है ना जी सर तो जीरो में होगा जीरो में से माइनस क्यू साइन एक्स होगा तो माइनस एन हो जाएगा जी जी सर। तो यहाँ पर इस प्लस को क्या कर देगा माइनस क्यू साइन एक्स और ए एक्स स्क्वायर जोड़ साइन एक्स ऐसे होगा ना जी क्यू साइन एक्स ये वहाँ पे सर नीचे हम चेक माइनस देखो ये जीरो वाले ना जी क्यू गुना माइनस साइन एक्स ही जीरो माइनस क्यू साइन एक्स में जी सर ओ जी सर
और जीरो में से क्यू साइन एक्स घटते तो की एते माइनस क्यू साइन एक्स ही होगा सर। जीरो में से माइनस क्यू साइन एक्स घटेगा तो क्या होगा बोलिए? माइनस क्यू साइन एक्स, माइनस क्यू साइन एक्स न होगा जी सर। तो वो माइनस जो ई माइनस है इस प्लस को क्या कर देगा? माइनस 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 हो गया ना जी सर। तो क्यू साइन एक्स इसमें क्या आएगा? गुना में आएगा जी, की जोड़ में आएगा, गुना में आएगा। अब समझा? रीजनिंग सब्जी पढ़ा। एक चीज देखिए, कोस पाई बाय 4 का मान क्या होता है? साइन एक्स हो गया यस सर, एक्स स्क्वायर और रूट ओवर 2 साइन एक्स हो गया ना। अब डीवाई बाय डीएक्स करेंगे ना, डी लगा देंगे ना, 1 बाय रूट ओवर 2 कॉन्स्टेंट है, इनको बाहर ले आओ, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर बटे साइन एक्स, साइन एक्स बटे क्या हो गया डीएक्स, 1 बाय रूट ओवर क्या हो गया 2, ये कोस्ट से घेर दो, एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x बटे पहले यू का होता है डिफरेंशिएट इनटू साइन, पहले किसका डिफरेंशिएट होता है? यू क्या हो गया? एक्स स्क्वायर, अभी क्या हो गया? साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x। अब भी अभी गुने में रहेगा, इसका डिफरेंशिएट नहीं होगा अभी, तो साइन एक्स हो गया जी। अब किसका डिफरेंशिएट होगा? भी का, और यू स्थिर रहेगा, तो एक्स स्क्वायर हो गया, साइन का क्या होता है? अब बटा क्या होता है? बी स्क्वायर यानी साइन साइन स्क्वायर एक्स, 1 बाय रूट ओवर क्या हो गया? 2। इसमें से क्या कॉमन आ सकता है? एक्स आ सकता है ना? यस सर। एक्स कॉमन ले लो, एक्स या बारी बारी से आप भाग भी भागे दे दीजिए ना, समझ गया ना, बारी बारी से आप भाग दे दो। अच्छा देखो किस प्रकार से आंसर दिया है, ऐसे छोड़ दिया है तो यहाँ पर छोड़ देंगे, बुक जरूर पास देखो ना सर। एक्स हम कॉमन ले लेते हैं, तब तक 2 साइन एक्स कॉस हो गया कत्ते से देखो ना सर, सर जी बुझी सर, एक्स कॉस पाई बाय 4 राय है। अगर पाया फोर मान नहीं बैठाया तो नहीं बैठाया, उससे क्या मतलब है आपको? मान बैठा दिया है ना, हो गया आंसर, ये एक्स स्क्वायर हो गया ना, कोस 45 डिग्री का मान 1 बाय रूट ओवर 2 होता है, ये क्या हो गया? साइन एक्स हो गया ना जी सर, ये रूट ओवर 2 है, नीचे आ गया ना जी सर। एक्स स्क्वायर ये है, ये साइन एक्स है, ये यू हो गया, ये क्या हो गया? डी हो गया, ठीक है। अब डी बटा डी एक्स दोनों तरफ हम लगाएंगे ना, समान क्रिया दोनों तरफ कर सकते हैं ना, तो किसके सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं? एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो चलिए 1 बाय रूट ओवर 2 कॉन्स्टेंट है, इसलिए इनको हम क्या किए हैं? बाहर निकाल दिए, निकाल दिया है ना। अब देखिए डी बटे जो डी एक्स है, ये रूट ओवर 2 बाहर निकल गया, तो यही बचा एक्स स्क्वायर बटे क्या बचा? देखो तो एक्स स्क्वायर बटे साइन एक्स बचा कि नहीं बचा? ये आपका यू हो गया, ये आपका क्या हो गया? बी हुआ। तो ये जो 1 बाय रूट ओवर 2 है, 1 बाय रूट ओवर 2 ये रहेगा ही रहेगा। अब यू बटे बी के फॉर्मूले पर तोड़ दीजिए, यू बटे बी के फॉर्मूले पर तोड़ दीजिए। तो देखिए पहले यू का डिफरेंशिएट होता है, किसका डिफरेंशिएट होता है? एक्स स्क्वायर का क्या हो गया? 2x। अब ये गुना हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा? अब जो है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट नहीं होगा, समझ गया ना, क्योंकि पहले हम कर दिए हैं, तो किसका डिफरेंशिएट होगा? साइन एक्स का, साइन एक्स का क्या होता है? कोस एक्स हो गया ना। अब बटा क्या होता है? जी स्क्वायर बटा क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स हो गया ना। फिर क्या, एक्स यहाँ पर एगो एक्स है, यहाँ पर दो गो एक्स है, एगो एक्स कॉमन आ गया, तो आपको डी पावर एक्स, एक्स पावर एन बटा डी एक्स, इनका फॉर्मूला क्या होता है? एन माइनस वन। दूसरा देखिए
यानी x पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है n इंटू x पावर n माइनस वन। क्या हम पूछ देंगे कि x पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है x पावर n का n x पावर n माइनस वन। अब देखिए अब कोई कांस्टेंट रहेगा क्या रहेगा कोई कांस्टेंट रहेगा जैसे मान लीजिए कि c हो गया 2, 3, 4, 10, 20 है ए बी सी डी कुछ भी रहेगा उनका क्या हो जाएगा जीरो। क्यों जीरो हो जाएगा क्योंकि देखिए ये तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएट न हुआ है लेकिन यहाँ पर है क्या c है ना नहीं c इसलिए जीरो हो जाता है इसलिए क्या हो जाता है जीरो जीरो ये जीरो हो गया। तीसरा आप देखिए यहाँ पर हम क्या कर देते हैं फलन में सी एक्स ले लेते हैं इनको हम फलन बोलते हैं क्या बोलते हैं फलन फंक्शन। तो देखिए सी क्या है कांस्टेंट न है जी क्या है कांस्टेंट है कांस्टेंट बाहर आ जाता है ऐसे हो जाता है सी होगा इसका सर जी डी एक्स ऐसे हो जाता है सी होगा। अब वैसे भी डी एक्स एक्स का क्या होता है सिंपल भी सोचेगा तो ये कट गया जी सर एक हो गया सिंपल रूप से भी सोचेगा तो ऐसे होता है यानी कांस्टेंट आपको बाहर आ जाता है कर दिए ना इनको हम सी भी लिख सकते हैं बराबर में। चौथा फॉर्मूला देखिए डी एक्स वन होगा इनका वन हो गया वन हो गया। पांचवा फॉर्मूला देखिए ये रूट ओवर एक्स हो क्या हो रूट ओवर एक्स हो तो वन का होता है रूट एक्स वन बाय टू रूट एक्स समझ गया ना। अब ई कैसे होता है तो रूट ओवर का मान क्या होता है हाफ बाई टू हाफ में से हम क्या करेंगे एक को घटाएंगे तो माइनस हाफ होगा ना जी। अब पावर जैसे माइनस हो गया तो नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा जी सर तो इसलिए ना नीचे में रूट ओवर एक्स है यहाँ पर वन बाय टू कहाँ से आया तो हाफ पावर है पावर गुना में होता है नहीं होता है पावर गुना जी सर इसलिए ना हुआ। अब अगला फॉर्मूला देखो छठा फॉर्मूला देखो जिसे log x हो गया क्या हो गया log log x। अब देखिए तो log x का क्या होता है वन बाय वन बाय क्या होता है x। सातवां फॉर्मूला देखो कि वन बाय एक्स लेते हैं डी वन बाय एक्स बटे डी एक्स इनका होता है माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर। आठवां देखो अगर मान के चलो यहाँ पर रहेगा वन बटे एक्स स्क्वायर क्या रहेगा वन बटे तो देखो एक चीज ध्यान दिए हो क्या एक्स पावर क्या है नहीं कुछ है तो एक है एक में माइनस लग गया था जी उसी प्रकार से यहाँ पर एक्स पावर क्या है तो दो में माइनस लग जाएगा दो में माइनस लग गया। ट्रिक देखो कभी एकदम बोलेगा नहीं अगर सही से माइंड में एडजस्ट कर लिया। अब देखो एक था तो इस पर पावर क्या हुआ था एक बर्ड न गया था हाँ हाँ एक था तो इसमें दो हो गया इसमें दो यहाँ पर क्या तीन हो जाएगा एक्स की हो जाएगा हो गया ना। अगर इसी में हम लेते हैं आपको इनका क्या होगा बोलो माइनस थ्री बटे एक्स पावर माइनस थ्री बटे एक्स पावर चार आप बोलेगा भी हाँ सर। अब अगला देखो ई पर पावर एक्स ये क्या होता है इसे एक्सपोनेंशियल होता है यस सर एक्सपोनेंशियल समझ गया एक्सपोनेंशियल हिंदी होता है चर घातांक समझ गया ना चर घातांक इसको हम चर घातांकीय फलन कहते हैं क्या कहते हैं चर घातांकीय एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई पर पावर एक्स बटे क्या हो गया डी एक्स ई पर पावर एक्स ई पर पावर एक्स ई पर पावर एक्स। अब ग्यारहवां नंबर का फॉर्मूला देखो ए पर पावर एक्स ए पर पावर एक्स इनका डिफरेंशिएशन क्या होता है एक्स लॉग ए लॉग एक्स लॉग ए लॉग ए होगा समझ गया ना ए पर पावर एक्स लॉग ए। अब मिला लेना कहीं कोई मिस अति हुआ होगा तो एकदम इनसे मिला लेना एकदम समझ गया ना। अगर गलत भी लिखे होंगे तो करेक्शन अपना कर लो यही गलत लिखना है एक्स ये डी डी टू एम पावर एक्स डी एक्स। अब देखो वर्मा एकदम फॉर्मूला देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स
या साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स। अब यहाँ पर देखो हम लिखते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होगा क्या होगा माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स। अब देखो कॉस एक्स है ना कॉस के बाद किसकी बारी है क्या होगा। अब देखो ये 15 नंबर का ये फॉर्मूला देखो अब किसकी बारी माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स पर एक्स। अब 16 में देखो क्या बच गया है बचा सेक सेक एक्स इंटू टेन एक्स सेक एक्स इंटू क्या होगा टेन क्योंकि सेक और टेन का रिलेशन हो जाता है देखो टेन सेक में होता है ना को सेक का होता है साइन कोस का होता है। अब देखो 17 कोस साइन माइनस साइन कोस एक एक्स माइनस कोस एक्स माइनस कोट एक्स माइनस क्यों हुआ कल क्या लिखाए थे ट्रिक में देखिए एस ट्रिक क्या है सम्राट ट्रिक यहाँ पे लिखा थे जिस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फर्स्ट लेटर क्या हो सी हो उनका डेरिवेटिव क्या होता है निगेटिव होता है क्या होता है देखो जिसमें जिसमें एकदम सी से शुरू हुआ है निगेटिव आ गया सी से शुरू है निगेटिव आया सी से शुरू है निगेटिव आया ट्रिक है तो कहे आया मान होता है आता जैसे मान के लो कि फर्स्ट ऑर्डर प्रथम ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से हम प्राप्त करेंगे ना जी यानी प्रथम सिद्धांत से अवकलज प्राप्त करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या आएगा निगेटिव आएगा समझ गया ना। आप देखो प्रथम सिद्धांत से कैसे निकालेगा मान तो प्रथम सिद्धांत से मान निकालने के लिए जानते हो ना हिसाब मैंने बताया है जैसे मान के चलो कि प्रथम सिद्धांत से हम क्या करते हैं लिमिट एस टेंस टू क्या करेगा जीरो करेगा ना एक्स प्लस क्या करेगा एफ और माइनस क्या करेगा एफ एक्स और बटे क्या करेगा एक्स। अब इस फंक्शन पर मान बैठा करके निकालो ना अपने आप पता चल जाएगा कि क्यों आया माइनस समझा। अब इस पर बैठा देना उन्नीसवां देखो फॉर्मूला सही सही सीरियली नंबर लिखा था जी सर 18 तक कभी लिखा है जी सर तक 18 तक 10 महीनों में ये वो सर जी एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एस टेंस टू जीरो यू प्लस वी प्लस माइनस होता है तो इसे डी यू बाय डी एक्स और प्लस माइनस डी वी बाय डी एक्स डी एक्स। 20 नंबर का फॉर्मूला देखो यू इंटू वी यू डी वी बाय क्या होता है डी एक्स प्लस वी डी यू बाय डी एक्स। 21 नंबर का फॉर्मूला देखो वी डी यू बाय डी एक्स माइनस यू डी वी बाय डी एक्स बटे क्या होता है एक्स स्क्वायर